सलाम व्यूअर्स, इट्स योर ब्रदर इलियास शाह और आप देख रहे हैं आसमान बिल्डर्स यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। बहुत से घर हम देखते हैं जो बनते हैं या डिज़ाइन होते हैं या बन जाते हैं, फिर उसकी एक इस तरह की शक्ल निकलती है जिसे हम अपनी ज़बान में एक फ्रंट एलिवेशन का नाम देते हैं। इस घर के ऊपर जितना ख़र्चा होता है, घरों के ऊपर जितनी भी आपकी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन आती है, उसके बाद आपका एक ही प्लान होता है, आपका एक ही मोटिव, एक ही फोकस होता है कि मेरा घर भी बाहर से इसी तरह खूबसूरत लगे, कि पूरी गली में इस तरह का घर ना हो। मैं मज़ीद इस गली के घर नहीं दिखाना चाहूँगा, प्राइवेसी का ख्याल रखेंगे, लेकिन जस्ट यहीं तक मैं दूर रखूँगा अपनी वीडियो को। फ्रंट एलिवेशन आप चेक करें, ऐसे फ्रंट एलिवेशन इतनी खूबसूरत घरों को बनाने से पहले आपके पास होना चाहिए एक खूबसूरत सा प्लान, एक खूबसूरत सी ड्राइंग, अच्छी सी प्रपोजल्स, वो भी एक प्रोफेशनल टीम के हाथों से निकली हुई। एक ड्राइंग, एक डिज़ाइनिंग वो होती है जो प्ले स्टोर पे हम जाते हैं, फ्री के ऐप्स हमें मिलते हैं, वहाँ से आप फ्री करवा सकते हैं, आपको किसी डिज़ाइनर किसी आर्किटेक्ट की ज़रूरत है ही नहीं। लेकिन अगर प्रोफेशनलिज्म की बात आती है, एक अच्छे काम की बात आती है, तो ऑब्वियसली हर जगह पे कहता हूँ, अगर आप अपनी टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 1% भी इसकी डिज़ाइनिंग के लिए वक्फ कर देंगे, तो उसके बाद आपके घर कुछ यूँ बनेंगे इतनी खूबसूरती के साथ और एक खूबसूरत बिल्ड क्वालिटी के साथ। एक होता है कि घरों के अंदर जब भी हम देखते हैं तो डिज़ाइनिंग पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता उस घर के फ्रंट में, वो अंदर हो या वो ग्रे के अंदर मटेरियल हो या फिनिशिंग मटेरियल हो, उसको जस्ट एक लुक दी गई होती है कि अच्छा देखे, लेकिन मटेरियल कंट्रोल नहीं होता। सबसे लाजिम और मेन चीज़ ये है कि सबसे पहले आपने ध्यान करना है, फोकस रखना है क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, उसके बाद अपनी डिज़ाइनिंग के ऊपर, और उसके बाद लास्ट उसकी लुक के ऊपर कि आप उसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, फिर लाइटिंग की मदद से आप उसको कितना इन्हांस करते हैं, उसको किस तरह का टेक्सचर देते हैं, उसको किस तरह का कॉन्ट्रास्ट देते हैं। इस फ्रंट एलिवेशन में अगर आप देखेंगे, खूबसूरत मैट टाइल्स का इस्तेमाल है, जिसको हम मोटिव टाइल्स भी बोलते हैं। नॉर्मली हम जब भी फ्रंट एलिवेशन में देखते हैं, ज़्यादातर लोग जो शाइन वाली टाइल्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं रिकमेंडेड। आप अगर खूबसूरत घर की ख्वाब की तलाश में हैं या एक खूबसूरत घर को देखते हैं, तो उसके अंदर आपके पास ये वाला कॉन्ट्रास्ट और टेक्स्चर होना लाजिम है। इसमें अगर आप देखें उस खूबसूरत सीएनसी ग्रिल का इस्तेमाल, हमेशा कहता हूँ कि घर का अंदर हो या बाहर, लाइटिंग उसमें बहुत बड़ा किरदार अदा करती है। अगर आप यहाँ पे मेरे साइड पे गेट्स के ऊपर लैंप्स देखें, या अगर आप वॉल माउंटेड अगर फैंसी लाइट्स देख लें, या मेन जो हमारे पास होता है, या अंदर सीलिंग के अंदर जो लाइट्स होती हैं साइड पे, बहुत सी चीज़ों में हम पैसे बचाने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन बाद में उस घर की लुक नहीं निकलती। हम ऐसे जैसे घर दिखाते हैं, हर बंदा ये कहता है, हम जब स्टेटसेस देते हैं कि यार बहुत खूबसूरत घर है, ये बनता कैसे है, तो ऑब्वियसली इसको बनाने से पहले आपके पास इसके लिए खूबसूरत और अच्छा सा प्लान होना चाहिए, जिसको हम नक्शा बोलते हैं, जिसको हम 2D ड्राइंग बोलते हैं, जिसको हम 3D ड्राइंग बोलते हैं। ये जो भी बिल्डर, जो भी बंदा, जो भी डेवलपर घर बनाता है, तो उसको पता होता है कि जब मैं इसको बनाऊंगा, इसकी शक्ल मैं ये निकालूंगा, तो वो पहले से वेल प्लान्ड होता है। फिर वही बात करूंगा, टोटल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन का 1% वक्फ करेंगे ये सारी खूबसूरती। लेट सपोज अगर कोई बंदा कहता है मैंने नक्शे पे पैसे नहीं डाले, लेकिन मैं अच्छा डिज़ाइन करूंगा, आपका खर्चा वही होना है। लेकिन अगर आप एक प्रॉपर थीमवर्क को फॉलो करेंगे, प्रॉपर पैटर्न के थ्रू जाएंगे, तो ये तो मैं सिर्फ बाहर दिखा रहा हूँ, अंदर दिखाऊंगा तो आपकी सोच परेशान हो जाएगी कि यार इस तरह के घर भी बनते हैं। हम लोगों को दिखने में लगता है या सुनने में ये मिलता है कि करोड़ों का घर है, भाई जान बिकने में एक अलग चीज़ है, बेचने में अलग चीज़ है। चूँकि हाउस कंस्ट्रक्शन की जो मार्केट है या इसका जो बिज़नेस है, उसमें ऑब्वियसली हर बंदा अपने इन्वेस्टमेंट बाउंड करता है और उसके बाद एक प्रॉफिट के लिए काम करता है। आप खुद जब बनाते हैं तो ये आपके लिए कहाँ तक जाता है, इसके ऊपर बात नहीं करूँगा। ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी हुई हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको भी नक्शे की सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज या फिनिशिंग की सर्विसेज चाहिए, तो हमारी सर्विसेज पंजाब और पख्तूनख्वा के अंदर है। अभी हमारी टीम से हमसे रब्ता करने के लिए दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।